नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास SST RBSE बोर्ड का एक स्पेशल वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर है। SST में अक्सर ये देखने को मिला कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है, काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई बच्चों को तो SST के नाम से ही पसीना आ जाता है। सर, बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ते हैं, हमें याद नहीं होते, हम कहां से याद करें, इतना सारा मैटर है, इतना लेंथी मैटर है, बहुत सी समस्याएं रहती है। यहां तक कि जो इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, जिनके साइंस मैथ में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, वो बच्चे भी SST के नाम से पसीने छूटते। आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है, जिसका बहुत अच्छा माइंड है, बहुत अच्छा IQ लेवल है उसका, लेकिन वो बच्चा SST का अंदर याद नहीं कर पाता, उसको बस बड़े क्वेश्चन देकर घबरा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में उसको ये नहीं पता होता कि कहां से मुझे छोटे क्वेश्चन याद करने होते हैं और कहां से मुझे बड़े क्वेश्चन याद करने होते हैं। उसको ये नहीं पता होता कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, यहां से छोटा क्वेश्चन बनेगा या बड़ा क्वेश्चन बनेगा, मुझे याद करना है तो इसमें से मुझे वेरी शॉर्ट याद करना है या शॉर्ट याद करना है, लॉन्ग याद करना है, किस चैप्टर में से किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, कि कौन सा चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम SST को पढ़ें, लेकिन पढ़ने से पहले हमारे पास में, हमारे माइंड में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक व्यू रचना होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो एग्जाम पास करना है वो किसी युद्ध में लड़ने से कम नहीं है, किसी बैटल में जाने से कम नहीं है। इसलिए आज का हमारा जो पॉइंट है वो है कि 10th के एग्जाम को बेटर टू बेटर करने के लिए हम कैसे रणनीति तैयार करें, उस रणनीति को लेकर के आज का हमारा टॉपिक है। 10th क्लास में जो आपके SST की जो बुक है उसको चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो एक्चुअली ये 5 भागों में है, ठीक है, लेकिन मेजर जो पार्ट्स हैं इसके, वो मेजर पार्ट्स इसके केवल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट्स है उसका नाम है हिस्ट्री, और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर लिख रखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री आपके 20 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। ये 20 मार्क्स की हिस्ट्री है, और इस 20 मार्क्स की हिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। 4 चैप्टर आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। सिविक्स की बात करें तो सिविक्स जो है, सिविक्स आपके 20 नंबर का है, जिसे नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, जिसमें संवैधानिक बातें हम समझते हैं, ठीक है। तो ये जो सिविक्स जो 20 नंबर का है, इसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 3 चैप्टर इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें जो कि थर्ड पार्ट है, तो ज्योग्राफी हमारे 18 मार्क्स का है, और ज्योग्राफी में जो चैप्टर हैं वो हैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। 4 चैप्टर हमारे ज्योग्राफी में है और मार्क्स है 18। आगे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर, तो फोर्थ पार्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का जो ये पार्ट है ये 18 मार्क्स का है, और यहां पर चैप्टर्स की संख्या अगर हम देखें तो टोटल 7 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है बच्चों। यहां पर 12-13 जो चैप्टर है, 14 जो चैप्टर है, ये चैप्टर ज्योग्राफी के पार्ट भी माने जाते हैं और इकोनॉमिक्स के पार्ट भी माने जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इन्हें हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बात करें यहां पर 18 नंबर का पूरा मैटर है, और 18 मार्क्स का जो मैटर है वो आपके इकोनॉमिक्स है, और चैप्टरों की संख्या है 7। यहां पर चैप्टर ज्यादा दिख रहे हैं आपको, अभी हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे। अच्छा, अदर जो मैटर है उसमें दो नंबर के 2 चैप्टर हैं, इसमें एक तो आपके जो वेस्टेज का जो कंट्रोलेशन है वो कैसे किया जाए, एक सड़क सुरक्षा जो है उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो 2-2 मार्क्स के 2 चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, आगे हमने अभी यहां पर पढ़ा कि सब्जेक्ट 5 हो गए, मूल 4 ही है, मार्क्स की हमने बात की, ठीक है। अब हमारा तीसरा चैप्टर की हमने बात की, कौन कौन से कितने कितने चैप्टर इसमें आ रहे हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि ईच चैप्टर इज डिवाइडेड बाय सम मार्क्स, हाँ, प्रत्येक चैप्टर कितने अंक का बटा हुआ है। तो पहला चैप्टर जो हिस्ट्री, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर जो हिस्ट्री के हैं, इन हिस्ट्री के चैप्टर की बात करें तो यहां पर 5 नंबर का पहला चैप्टर है, 2nd नंबर का पहला चैप्टर है, 6 नंबर का तीसरा चैप्टर है, और 4th नंबर का चौथा चैप्टर है, ठीक है। 5 प्लस 5 प्लस
प्लस सिक्स प्लस फोर इक्वल टू 20, ये 20 मार्क्स का मैटर है। शुरू के जो चार चैप्टर है हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर अगर हम आगे पढ़े बात करेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि क्वेश्चन नंबर जो, चलो पहले एक बार पूरा इसको पढ़ते हैं कि ये 20 मार्क्स का हिस्ट्री का मैटर आएगा और ये चैप्टरों का डिवाइडेशन है कि पहले चैप्टर में से पांच नंबर का मैटर है। अभी इसमें से ये भी डिवाइड होगा कि तीन नंबर का बनेगा या दो नंबर का बनेगा या छह नंबर का बनेगा, ये आगे हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, सिविक्स में चैप्टर नंबर फाइव जो है ये पांच नंबर का है, चैप्टर नंबर जो सिक्स है ये चैप्टर नंबर सिक्स सात नंबर का है और चैप्टर नंबर सात ये आठ नंबर का है। अब एक बात तो आपने यहां पर अब तक नोटिफाई कर ली होगी, आप नोट कर चुके होंगे कि यहां पर तीन चैप्टर है और तीनों का वेटेज भी बहुत अच्छा है 20 मार्क्स का। तो नो डाउट एक या दो क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग जो क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, जो आपके 27, 28, 29 नंबर का जो पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इसी सिविक्स में से देखने को मिलता है। पिछले चैप्टर से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि कभी एक क्वेश्चन आया है यहां से, कभी दो भी क्वेश्चन यहां से उठ करके आए, ठीक है। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो एक क्वेश्चन उठा के दे रहा है दो क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन सिविक्स में से उठा के देता है और मिनिमम एक क्वेश्चन हिस्ट्री में से उठा के देता है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन हमें सोल्व आउट करने हैं वो सिविक्स में से ज्यादातर पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में से ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर वेटेज भी ज्यादा है और एक चैप्टर बड़े बड़े भी है। चैप्टर नंबर सेवन जो है जिसमें राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और एक डेमोक्रेसी का है, तीन चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर सेवन अकेला आठ नंबर का है। इसमें से बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है बड़े क्वेश्चन में से, लॉन्ग टाइप में से। अच्छा, आगे ज्योग्राफी की बात करें तो प्रत्येक चैप्टर ज्योग्राफी का 3 मार्क्स का है और मैंने यहां पर भी बताया था आपको कि 12, 13, 14 ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये भी 3 मार्क्स के हैं। आगे इकोनॉमिक्स शुरू होती है 15, 16, 17, 18 तो ये 4, 3, 4, 4, ठीक है, ये इनका डिवाइडेशन। देखो यहां पर जो नंबर बटे हुए हैं वो 5, 5, 6, 4, 5, 7, 8, यहां 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, तो एक छोटी सी बात निकल के हमारे सामने आती है कि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज्यादा यहीं से बनते हैं। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो ज्यादातर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक से बनते हैं। बेटा लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी है, 27, 28, 29 तीन क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, ठीक है। जो दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, और तीन क्वेश्चन के अलावा ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और शॉर्ट के अंदर भी ये लॉन्ग वाले शॉर्ट है, ठीक है, और ये शॉर्ट है और ये वेरी शॉर्ट है। शॉर्ट के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक 100 वर्ड्स का है, एक 40 वर्ड्स का है, ये दोनों शॉर्ट है। 100 वर्ड्स मतलब एक पेज का आंसर और 40 वर्ड्स मतलब आधे पेज के लमसम, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों ज्यादातर जो पूछे जाते हैं पुटअप जो होते हैं वो ज्यादातर यहीं से पुटअप होते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरी शॉर्ट कहां से बनते हैं, शॉर्ट कहां से बनते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 3, 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4, ये इनकी मार्किंग है, लगभग 7 चैप्टर्स हैं और ये टोटल 18 मार्क्स के हैं। आगे बात करते हैं दो अदर, तो ये दो दो मार्क्स के दो क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। अच्छा, अब ये आते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कि हमें जो पेपर में जो बोर्ड में जो पेपर हमको देखने को मिलता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो शुरू के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो 10 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ये 10 क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स के मिलते हैं, और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये हमें 20 वर्ड्स में करने होते हैं। कई बच्चे फोकस करते हैं बड़े क्वेश्चंस पर और छोटे क्वेश्चंस पे इतना फोकस नहीं कर पाते। जितना टाइम एक बड़े क्वेश्चन को करने में लगता है उतने टाइम में ये 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वर्ड लिमिटेशन कितनी है, 20 वर्ड्स मैक्सिमम है। आपको मुश्किल से 2 लाइन के अंदर, 1 लाइन के अंदर इनका आंसर देना होता है। 1 वर्ड की तरह इनके क्वेश्चन के आंसर होते हैं,
ठीक है। तो यहां पर आपके पास में सीधे सीधे 20 वर्ड्स से ऊपर नहीं लिखना, और मार्किंग 20 मतलब 10 क्वेश्चन होंगे तो एक मार्क्स में 10 नंबर आपके सीधे सीधे बन गए। जितनी देर में आप एक बड़ा क्वेश्चन करते हो उतने से भी कम टाइम में आपके ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर, ये 10 नंबर आपके पक जाएंगे, तैयार हो जाएंगे अगर आपने वेरी शॉर्ट के ऊपर फोकस किया तो। और वेरी शॉर्ट वन वर्ड की तरह होते हैं। आगे बात करते हैं 11 से लेकर के 19, ये भी वेरी शॉर्ट का थोड़ा सा बढ़ा हुआ पार्ट है, जिसमें आपको 40 वर्ड्स में लगभग आधे पेज में आंसर देना होता है, और आधे पेज में जो आंसर देना है ये 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और यहां पर इनकी संख्या कितनी है 11 से लेकर के 19, लगभग 9 क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। लगभग 18 नंबर का मैटर हमारे पास कैसा है, शॉर्ट का है, और ये जो है इसके अंदर भी टाइम कम लगता है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बता रहा हूं वेरी शॉर्ट, एक तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, 10 क्वेश्चन ये हो गए, 9 क्वेश्चन ये हो गए, 19 नंबर का जो मैटर है वो 19 नंबर का मैटर ज्यादातर इकोनॉमिक्स से और ज्यादातर ज्योग्राफी, यहां दोनों जगह से पुटअप होता है। फिर बात करते हैं 20 से 26 का जो मैटर है, ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, और ये 7 क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स के होते हैं, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और केवल ये हमें एक पेज में करने होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। और इनकी अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री, सिविक्स, अब हिस्ट्री के अंदर भी सर जैसे ये बड़ा पार्ट दे रखा है, ठीक है, तो हिस्ट्री में से भी जो ये शॉर्ट वाले जो है, ये वाले शॉर्ट जो है ये कहां से उठेंगे, तो ये वाले शॉर्ट उठने के चांस बनते हैं चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 5, इसमें से उठने का चांस नहीं बनता, ठीक है। तो बात कर रहे हैं सिविक्स की, सिविक्स में से अगर ये क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं तो ये पुटअप होंगे क्वेश्चन 5th और 7th में से। सर 8th में से क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां से जाएगा बड़ा क्वेश्चन, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर से यहां पर से ये क्वेश्चन नहीं उठते, बहुत कम चांस उठते हैं ऐसे, ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन कोई पुटअप होता है तो बाय द वे कोई क्वेश्चन यहां से 1-2 आ सकता है, लेकिन 90% जो चांस है वो 90% चांस वेरी शॉर्ट के यहां से निकल के आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहां से, मतलब फर्स्ट वाले जो पहली रैंक है और दूसरी रैंक है ये ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से आते हैं, और ये हमें कम समय के अंदर अच्छे मार्क्स देने वाले होते हैं। उसके बाद बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि 30वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, और ये हमको करने में 5 मिनट भी नहीं लगते, मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, 30 सेकंड में आप पूरे के पूरे 5 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हो। और यहां पर एक मैप दिया जाता है आपको, इंडिया का मैप आता है, और इंडिया के इस मैप में ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो ज्योग्राफी में से पुटअप होते हैं। कहां से पुटअप होते हैं, ज्योग्राफी में से। 5 नंबर का 30वां क्वेश्चन एक मैप मिलेगा, उसमें 5 नाम दिए जाएंगे, 5 नाम को आपको 5 प्लेस दिए जाएंगे, उसमें फिलअप करना है, ठीक है, उन 5 प्लेस के नाम आपको भरने हैं, ज्यादातर कहां से पूछते हैं, ज्योग्राफी में से। बाय चांस कभी कभी जो आपके कैपिटल वगैरह जो है वो पूछ ली जाती है, किसी भी स्टेट की कैपिटल पूछ ली, ठीक है, या फिर जो पूछी जाती है दूसरी चीज वो आपकी इंडस्ट्री जो है, खासतौर से जो इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है उस इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में से, या फिर जो आपके परियोजनाएं वगैरह जो हैं, जो आपके 8th चैप्टर है जल जल का, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, उस चैप्टर में से ये मैप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक छोटा सा एक मैटर बताया कि हम जब पढ़ाई करें तो पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में रणनीति बनानी पड़ेगी, हमें इसके बारे में पूरी व्यूहरचना तैयार करनी पड़ेगी कि हम पढ़ने तो बैठ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हमारे माइंड के अंदर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहा हूं, और यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो नो डाउट 6 नंबर का तो बनेगा नहीं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो ऐसे बन नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग का तो पत्ता साफ है, यहां से इसमें से लॉन्ग नहीं बनेगा,
छह नंबर का मैटर आएगा तो यहां से भी पत्ता साफ है, ठीक है। छह नंबर का क्वेश्चन अगर बनेगा तो छह नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा एक तीसरे में से, क्लियर। थर्ड जो चैप्टर है वो सिक्स मार्क्स का है और यहां पर भी सिक्स मार्क्स दे रखे हैं, तो ये एक मैटर यहां से बन सकता है। दूसरा सिक्स मार्क का क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनेगा, तीसरा सिक्स मार्क का क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनेगा। बाय चांस कभी कभी एग्जामिनर भी अपवाद स्वरूप दे देता है, वो एक अलग बात है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, एक हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि यहां से बड़ा क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर सिक्स, चैप्टर नंबर सेवन। तो हम इन चैप्टर थ्री चैप्टर्स को जब रीड करें तो हम इनको बड़े क्वेश्चंस के तरीके से पढ़ें। मैंने आपको बताया इंडस्ट्री चैप्टर और वाटर रिसोर्सेज से जो चैप्टर हैं वहां से आपके मैप के क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, तो आप उनको मैप के अकॉर्डिंग पढ़े। उसको मैप का आपने कुछ नहीं, एक बार कैपिटल्स को पढ़ लिया, ठीक है, और आप इंडस्ट्रीज की जो प्लेसेज हैं उनको पढ़ लिया, तो आपके फाइव मार्क्स विद इन 30 सेकंड्स में आप अचीव कर सकते हो। और जगह नंबर कटने के चांस तो भी रहते हैं, यहां पर नंबर कटने का चांस भी नहीं रहता। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रणनीति मैंने यहां पर आपको समझाई है वो आपको समझ में आई होगी, और मेरे विद्यार्थियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि वो इसको अपनाएंगे और पढ़ते समय इसका उपयोग करेंगे, और किस तरह से कौन सा चैप्टर को पढ़ना है हमें उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।